हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। रीना एंड अथर्वा चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज फिर मैं एक न्यू एक्टिविटी लेके आया, जो करने से जो बच्चा बिल्कुल ही आई कांटेक्ट देता नहीं है उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, और कॉन्सेंट्रेशन जिसमें कम है। देखिए, बहुत ही इजी गेम है लेकिन मजेदार है। बच्चों के साथ बैठ के आमने सामने बैठ के खेलेंगे। उसके लिए क्या चाहिए? दो बर्तन चाहिए, एक में पानी चाहिए और एक खाली चाहिए। ये बर्तन आप लोग जब घर पे करेंगे तब बड़ा वाला बर्तन चाहिए, बड़ा बर्तन के साथ करना है। उसके लिए क्या चाहिए? एक स्पंज चाहिए, एक हैंकी चाहिए। अगर जिसके पास स्पंज नहीं है वो हैंकी से कर सकता है। ऐसे नहीं मार्केट जाओ और स्पंज खरीदो, घर का हैंकी से काम चला लेना। आ जाइए, दिखाती हूँ। अगर जो सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। अगर आपके बच्चों में हेयर कटिंग का प्रॉब्लम है, ऊंची आवाज सुन के डरता है, तो सारे एक्टिविटी आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे। अगर आपको बच्चा स्मेल करता है, कोई भी खुशबू लेता है, उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। देखिए कैसे करना है। स्पंज को लिया और ये ध्यान रखना है, जिसको आई कांटेक्ट नहीं है उसका अगर कराएंगे रेगुलर जरूर इम्प्रूवमेंट होगा। फिर पानी निचोड़ के इसको फुल करना है। फिर स्पंज को डुबाया पानी में, फिर इसको फुल करना है। उसमें क्या होगा? उसको दिमाग चलने लगेगा, अंदर ही अंदर वो सोचने लगेगा कैसे हो रहा है। पानी ये भरा हुआ था, ये खाली था, ये भर रहा है, कैसे हो रहा है। और एक ये एक्टिविटी में और एक फायदा है, जिसको फिंगर पे ये फिंगर्स पे ग्रेप कम होता है, वो ऐसे प्रेशर डाल के जब निचोड़ेगा, निचोड़ना सीख जाएगा, तब उसको हाथ में भी ग्रीप आ जाएगा। पेंसिल पकड़ने के लिए बहुत अच्छा होगा और इसमें आई कांटेक्ट भी होता है। बस ये गेम हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है? ये जो रिस्ट है, रिस्ट का मोमेंट रहता ही नहीं बच्चों में, और स्पेशल चाइल्ड के लिए एक करना जरूरी है। हर वो एक काम करना है जो हम नॉर्मल लोग करता है। फिर हमें तो कपड़ा निचोड़ना ऐसे करके आता है, लेकिन उन बच्चों को नहीं आता है, हाथ का मूवमेंट होता ही नहीं, तो सिखाना है ऐसे करके। हाथ पकड़ के जो काम नहीं कर सकते अकेले, तो दोस्तों हाथ पकड़ के ऐसे करना है, सिखाना है, जरूर सिखाना है। ये नहीं भूलना जो चलो कैसे काम है। अगर कोई भी एक्टिविटी है, हमेशा बिजी रखो बच्चे को। जितना तुम बिजी रखोगे उतना ही तुम्हारी बच्चों में इम्प्रूवमेंट आएगा। हमेशा उसके साथ बोलना है, ये नहीं है वो बोल नहीं सकता है तो उसके साथ बोलना नहीं है। हमेशा हर बात उससे बोलना है और कोशिश करना है हमेशा उसको बुलाने की। और सारी एक्टिविटी घर बैठ के आप लोग करोगे, जितना खाली सोरोगे वो उतना ही पीछे चला जाएगा। उसको हर एक काम से इंगेज रखना है। तो ऐसे निचोड़ना भी आ जाएगा और फिंगर पे ग्रेप भी आ जाएगा और पेंसिल अच्छा से पकड़ लेगा। तो दोस्तों कैसे लगी मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और भी न्यू बहुत सारी एक्टिविटी है जो हम दिखाएंगे। एक माँ अपना बच्चे को ठीक कर सकता है, घर बैठ के जरूर कीजिए, तो आपको बच्चों में इम्प्रूवमेंट आएगा। थैंक यू।